ठीक है, तो वही हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी दो टाइम इंटरवल के दरम्यान में जब कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास जो है एवरेज रेट आ जाता है। और चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में तो उसके लिए हम चेंज के लिए डेल्टा का वर्ड यूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम दो पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंस ले लें टाइम का और कंसंट्रेशन का तो हमारे पास एवरेज रेट आ जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है रेट को डिटरमिन कर लें तो वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। एट द स्टार्ट आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो जो है ज्यादा होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि स्टार्ट पे जो है जो स्पीशीज है क्विकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही होती है, या प्रोडक्ट अगर जो है इसी तरह हमारे पास क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट पे ज़्यादा डिक्रीज हो रही होती है, आस्ते आस्ते कम हो जाती है, और साथ साथ इस और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है आस्ते आस्ते इक्विलिब्रियम की तरफ ये प्रोसीड कर रहा होता है। तो कोई ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट और हमारे पास जो एवरेज रेट है इक्वल हों तो वो क्या कंडीशन होती है कि जब डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो हो जाता है, कि जब टाइम का डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाए, यानी कि टी वन एंड टी टू बहुत स्मॉल डिफरेंस है, तो हम उस स्मॉल डिफरेंस की वजह से हम क्या है कि कंसंट्रेशन को दो कंसंट्रेशन हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है तो रेट ऑफ जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट है और जो एवरेज रेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं या बहुत क्लोजली अप्रोच हो जाती है, तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्चुअल में कोई इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, जब दोनों रेट इक्वल आ गए तो हम उसको कह सकते हैं कि जब टाइम जीरो हो गया तो वो किसी इंस्टेंट के ऊपर ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। हम इसको कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। अब जो लार्ज चेंज होता है उसके लिए हम डेल्टा का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, सिंबल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल चेंज है उसके लिए डी यूज होते हैं। और एक्स क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, मोस्टली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम एक्स यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो रेट आएगा तो उसके लिए हम क्या फिर लिख सकते हैं, dx ओवर dt के स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह हम रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि रेट इक्वेशन हमें डिटरमिन करती है कि कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें रेट ऑफ इक्वेशन बताती है। रेट इक्वेशन हमें जो है ये एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, सिंपल रिएक्शन है, मीन के वन मोल ए रिएक्टेंट है, दूसरा भी क्या है वन मोल है, और प्रोडक्ट हमारे पास जो बन गई है उनकी भी मोलर कंसंट्रेशन सेम है, मीन वन मोल ये सी है और वन मोल हमारे पास अगर डी है, तो क्या होता है फिर तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंपोनेंट को कंसिडर करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। मीन कि हम किसी भी रिएक्टेंट को ले सकते हैं, ए को या बी को ले लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं या सी और डी को ले सकते हैं, और इन सब के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा क्योंकि सबके ये मोलर कोफिशियंट जो है या नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है सेम है। अब आपको ये भी पता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो हम माइनस साइन से शो कर रहे होते हैं और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है इंक्रीज, तो उसके लिए हम प्लस साइन शो करते हैं। और ये जो कोफिशिएंट होते हैं या आप सिंपली से कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स सबके सेम हो तो फिर किसी एक से भी हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यूज निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एक स्पीशी के डिफरेंट हो फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम जो हैं किस स्पीशी के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है ए, वन मोल ऑफ ए और टू मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं और थ्री मोल ऑफ सी बना रहे हैं जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है, जैसे हमें ये नजर आ रहा है कि थ्री मोल ऑफ सी जो है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सी इज थ्री टाइम ग्रेटर देन ए। ठीक
ठीक है, तो अब हमारे पास पहले क्या आता है कि हमने क्या करना है कि जो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं और सारे फैक्टर को इसको एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इजीएस्ट फैक्टर है हमारे पास क्या है, वो थ्री है, कि थ्री टाइम्स जो है सी की कंसंट्रेशन जो है वो ए से ज़्यादा है, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के से थ्री टाइम है। ठीक है, ये तो एक है, और अगर इसको थ्री टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बन जाएगा, इसी तरह थ्री बाय टू बन गया और ये वन बन जाएगा। एक और एग्जांपल आपको इसी तरह दी जा रही है कि रेट टू मोल ऑफ ए है और वन मोल ऑफ बी, रेट करके ए टू बी बना रहे हैं वन मोल। तो अब अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये वन मोल है और ये टू मोल है। ठीक है, तो अगर ए के लिहाज से हमने देखना है तो फिर क्या है कि टू मोल ऑफ ए जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो तब हमारे पास क्या है, वन मोल ऑफ बी जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसके लिहाज से क्या हो सकता है कि वन मोल ऑफ बी जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं और वन मोल ऑफ प्रोडक्ट बन गई है, तो इनका ये वन आएगा, इसके लिए टू आएगा। मीन हमारे पास क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो फिर तो हम किसी भी स्पीशी के लिहाज से रेट को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम रेट किस स्पीशी के लिहाज से निकाल लें। तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ती है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है कि रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है उनकी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, मीन उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं with each concentration term raised to a power equal to the coefficient or number of molecule of each species in the balanced chemical equation. कि हमारे पास क्या है कि हम rate of reaction कैसे निकाल सकते हैं, कि rate of reaction जो है जिसको हमने कहा था dx over dt है वो directly proportional है molar concentration of the reactant. ठीक है, उनकी product अगर दो reactant हैं या तीन reactant हैं उनकी product के और उनके ऊपर रेस टू पावर जो उसकी कंसंट्रेशन को करेंगे कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल हमें तो वहां से पता चलता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, और आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसे हम वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कह रहे हैं या रेट कॉन्स्टेंट कह रहे हैं, और उसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है, कि ये एक्चुअली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो बहुत क्या हों, इक्वल हों, और इक्वल हो के ये ए कितनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मीन वन मोल पर डीएम क्यूब हो, तो इसको अगर वन के साथ मल्टीफ्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट के। ठीक है, द रेट कॉन्स्टेंट और स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट में भी डिफाइन एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी मीन वन मोल पर डीएम क्यूब। अब हम देखते हैं कि ये जो रेट कॉन्स्टेंट है किस किस चीज पर डिपेंड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के वेरीज फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन, के हर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इट ऑल्सो डिफरेंट वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ गिवन रिएक्शन, क्योंकि कोई एक रिएक्शन है अगर हम उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके के की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो हमारे पास जो है उसकी के की वैल्यू क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। के की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। द यूनिट ऑफ के डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट अगर हम देखें के तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, रेट या रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है।
हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे या प्रोडक्ट पे, ठीक है, यानी कि जो भी स्पीशीज है हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वो रेट लॉ के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसको हम डिटरमिन कैसे करते हैं कि हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट है तो हम उसकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और उसके देखेंगे उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, या अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं या दो से ज्यादा हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक की कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे और उसका इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं, और जो दूसरी कंसंट्रेशन होती है मीन दूसरे जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम कॉन्स्टेंट कर लेंगे। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं और उसके लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रेट इज डिटरमाइनिंग बाय मेजरिंग द रिएक्शन रेट विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, कि हम कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं। बाय अ स्टडी ऑफ नंबर्स रिएक्शन इट इज शोन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज्ड टू पावर टू सम पावर, कि हर कंसंट्रेशन के ऊपर जो है उसके ऊपर एक पावर लगाई जाती है, जैसे वन है, टू है, या थ्री है, या समटाइम फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, कि मीन इतना चेंज करें कि अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम उस कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट ऑफ फ्रैक्शन भी क्या होता है, डबल हो जाता है। मीन इस लिहाज से हमारे पास रेट डिपेंड कर रहा है। एग्जांपल दी हुई है कि टू मोल ऑफ ए है प्लस बी है वन मोल, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली अगर इसका रेट ऑफ फ्रैक्शन लिखा जाएगा तो अगर ये टू टाइम डिपेंड कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, टू आएगा। अगर ये वन टाइम डिपेंड कर रहा होता, ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन की वन टाइम डिपेंड कर रहा होता तो ये वन आता, और अगर बी के पॉइंट में भी आ सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। इसके लिए सिंपली उन्होंने जस्ट आपको ये एग्जाम्पल दिए, अगर सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि जो उसके कोफिशियंट होते हैं, जो बैलेंस केमिकल के थ्रू हम नंबर ऑफ मोल लगाते हैं, वही उसका जो है पावर बन जाती है, और वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के केस में ऐसा नहीं होता, उनके लिए जो है ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट द पावर इन द रेट एक्सप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, के ये लाजमी नहीं होता कि जो रेट एक्सप्रेशन में जो पावर आ रही है ये इक्वल है हमारे पास जो कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, यानी कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए हम ये जो हमारे पास जो है कोफिशिएंट को और जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट करने के लिए, ये जस्ट आपको समझाने के लिए उसकी रेज टू पावर एम एंड एन कर दिया, ठीक है, कि एम और एन क्या है, ए के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और जो बी है वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन जो है वो बी के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इनमें भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, मीन ही पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और वन एंड टू और थ्री वैल्यूज भी हो सकती हैं। सो हमारे पास क्या बन गया, एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ द रिएक्शन रेट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट इक्वेशन। की रेट लॉ हमारे पास क्या है कि वो एक्सप्रेशन जो मैं बता रहा है कि कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हमारे पास रेट लॉ कहलाता है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन एन और एम इन द रेट लॉ आर यूजुअली अ स्मॉल होल नंबर इंटीजर और फ्रैक्शनल, यानी आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, या कोई फ्रैक्शनल भी होता है। So some elementary reaction, the power in the rate law may correspond to the coefficient in the chemical equation. So elementary reaction है, आप simple कर लें कि जो simple reaction है, one step reactions हैं, उनमें तो हमारे पास ऐसे situation होती है कि जो हमारे पास जो power है rate law की और जो chemical equation में हमारे पास coefficient होते हैं same होते हैं,
लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस होते हैं उनमें ये पावर और ये जो दोनों चीज़ें आपस में डिफरेंट भी हो सकती हैं। आपको एग्जांपल दी जाती हैं कि जैसे सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो उसके लिए रेट लॉ क्या बनेगा कि ये जो रेट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू के, ठीक है, ये हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट आ गया और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन आ गई। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन में, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया कि रेट जो है वो इसके कंसंट्रेशन के इक्वल आ गया। और यहाँ पे क्या था, ये 1 मोल थे इसलिए इनकी पावर क्या है 1 है, ये 2 मोल था इसकी पावर 2 आ गई है, 2 मोल भी था। और यहाँ पे ये जो सिंपल रिएक्शन है इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या है 2 है और इसका ऑर्डर भी 1+1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो होना तो क्या चाहिए कि ये अगर यहाँ से लग रहा है केमिकल इक्वेशन से लग रहा है कि इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1 है। इसी तरह डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ से हमें शो हो रहा है कि ये 2 होना चाहिए लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारे पास, हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, कंसंट्रेशन को बार बार चेंज करके स्टडी करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह का इफेक्ट हो रहा है। फिर कंसंट्रेशन चेंज करने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज ना होगा तो वो 1 होगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रेट इंक्रीज हो, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। मॉलिकुलरिटी का आपको पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल किसी भी एक सिंगल स्टेप फ्रैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो उसकी मॉलिकुलरिटी कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शन किस तरह के होते हैं, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंगल स्टेप रिएक्शन कह देते हैं या एलिमेंट्री रिएक्शन कह देते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं कि कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन 2-3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है और उसमें भी हर स्टेप तो एक इंडिविजुअल स्टेप ही है, जिसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास मॉलिकुलरिटी क्या होती है, अगर हम इसको डिफाइन कर दें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल एटम और आयंस विच कोलाइड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं कि मॉलिकुलरिटी कहलाती है। अगर 1 मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी क्या होगी, 1, और उनको हम क्या कह सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कह सकते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेंट हैं तो वो क्या होगा, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है 3 मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो क्या होगा, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, या इसे टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाती है 3। लेकिन हमारे पास क्या है, 3 और 3 से ज़्यादा जो है वो देयर होते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में स्ट्राइक करें एट अ टाइम और तो फिर हमारे पास क्या है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी तरह आपको एग्जांपल दी गई है यूनिमॉलिक्यूलर बाई मॉलिक्यूलर और टर्म मॉलिक्यूलर की, कि डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन है इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये नेसेंट है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको दी जा रही है डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, कि 2 मॉलिक्यूल जो है वो इसके डिसोसिएट होके HI और हाइड्रोजन एंड आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ये भी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है हमारे पास, कि 2 मोल इसके हैं और 1 मोल जो है वो इसका है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से नाइट्रस क्लोराइड बन रहा है और वो भी टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। अब ये जो हमने एक एग्जांपल देख ली है इसकी, और हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर होता है, ये तो नहीं होता कि हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर ले,
ठीक है, रिएक्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट क्या करेगा, तो वो पूरा मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेगा ना, तो इसलिए ये जो है फ्रैक्शनल नहीं होते, ये सिंपल इंटीजर्स होते हैं, और ये हमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में नहीं बता रहे, ये जस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ना ही इसे हम ओवरऑल रिएक्शंस को स्टडी कर सकते हैं, हम जस्ट ये इसे देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रेयर, क्यों रेयर हैं? एक्चुअल में होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जितने ज्यादा कोलिजन ज्यादा होते जाएंगे उतना ही हमारे पास जो है वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज्यादा होता है। अब कोलिजन होने के लिए आगे आप जाके स्टडी भी करते हैं कि परफेक्टली कोलिजन होने चाहिए, उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए, उनकी स्टेरिक फैक्टर सही होना चाहिए, वो हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए उनके दरम्यान में, ठीक है, यानी कोलिजन के भी आप आगे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो सबसे बेस्ट कोलिजन क्या है कि दो मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करें, हेड ऑन कोलिजन करें, तो वो कोई ना कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना दे। लेकिन अगर आप थ्री और फोर मॉलिक्यूल एट अ टाइम अटैच हों, एट अ टाइम जो है कोलाइड करें, तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे पास क्या है कि चार मॉलिक्यूल या तीन मॉलिक्यूल एट अ टाइम जो है उनका कोलिजन्स कम होता है, तो उनके कोलिजन से फूट फूट रिजल्ट नहीं बनते हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये हाई मॉलिक्यूलर जो रिएक्शंस होते हैं वो रेयर होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सिंपल रिएक्शंस हैं वो तो हमारे पास क्या हो सकता है उसकी, जैसे हमने पीछे बात की कि उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, लेकिन लेकिन जो है हमारे पास क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी इंडिविजुअल स्टेप की तो मॉलिक्यूलरिटी होती है, लेकिन हम ये नहीं करते कि हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को प्लस कर लें, ठीक है, उनमें हम जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है या फिर आप जो कह रहे हैं कि जो नेट रिएक्शंस हैं हमारे पास, हम वहाँ पे उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। एग्जांपल दी जा रही है आपको कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है, तो उसमें अगर हम इसको स्टेप देख लें कि फर्स्ट स्टेप में क्या है कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो डीकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है हमारे पास ये दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं, और जो है यही दोनों प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, यूटिलाइज हो रही है, प्रोड्यूस क्या करनी है, और प्रोड्यूस करी है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये अगेन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रही है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर से नाइट्रिक ऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या रह गया, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रह गया, और इधर से रिमेनिंग हमारे पास ऑक्सीजन रह जाती है, और 3 मोल और 1 मोल 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन बन गया, नेट रिएक्शन हम जो है लिख रहे होते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है हम इंडिविजुअल रिएक्शन के नहीं देखते, इनमें से जो रेट किससे डिटरमिन करते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है, कुछ रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं उनको डिटरमिन करना ईजी नहीं होता, तो इसलिए हम रेट जो है वो उसे डिटरमिन कर रहे हैं जो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप है। तो स्लोवेस्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अगर हम देखें हमने इससे रेट डिटरमिन करना, और ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो हम ये कहेंगे कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है, ठीक है, जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं उनमें तो रेट और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं उनमें रेट और जो है या आप सिंपल कह रहे हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती, वो डिफरेंट हो सकती है, और वहां पे हम क्या करते हैं जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है उससे हम जो है मॉलिक्यूलरिटी निकाल लेते हैं, या उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल लेते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं हम उसके लिए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ, कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी जो पार है उनको सम कर दें, उनको प्लस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। और हमें ये पता है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो
वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, ये कोई हम खुद उसको रैंडमली नहीं लिख लेते, ठीक है। कंसंट्रेशन चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करने से फिर चेक करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या चेंज आया, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ बताती हैं एम एंड एन क्या है। हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिहाज से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं कि ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एम है, और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एन है, और उनको प्लस कर लें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, और थर्ड भी हो सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं एम और एन का समिशन जो है हमारे पास क्या आ रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल दी जा रही है कि जो पीछे एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं का ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है, तो ये क्या हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसी तरह आपने पहले मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है कि एक तो हमारे पास उनकी क्या कह सकते हो आप डेफिनेशन का डिफरेंस है कि ये क्या बता रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उससे डील करिए कि एक एक मोल है, दो मोल है, या एक मॉलिक्यूल है, या दो मॉलिक्यूल हैं किसी भी आयन के, या किसी भी मॉलिक्यूल के, या किसी भी एटम के, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कि ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन उसके ऑपोजिटली हमारे पास ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और ये हम सिंपली मॉलिक्युलरिटी सिंगल स्टेप की डिटरमिन कर रहे होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, और हम इसको सिंपल कंबाइन कर लेते हैं पूरे होल रिएक्शन के लिए, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें हेल्प कर रहा होता है कि हम मैकेनिज्म को स्टडी कर लें, इसको ये मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। लेकिन जो है मॉलिक्युलरिटी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती, और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्वांटिटी होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो है, जो कंडीशन ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि मेन कंडीशन चेंज करने से हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी चेंज नहीं हो सकती। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमें मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है, उसकी वैल्यू 3 और 3 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैंने ज़रा क्विकली इसको रिवाइज किया था ताकि नेक्स्ट जो है हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाएं। एक्चुअली हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को दोबारा से देखना है ताकि, क्योंकि उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो, वो उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ही डील करनी है। तो इसलिए मैं आपको ज़रा क्विकली से इसको जस्ट गो थ्रू करवा रही थी कि ये हमारे पास क्या है। आपके पास नोट्स हैं, आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा और अपने माइंड में इसको रिवाइज करें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं 10-15 मिनट गुजरने के बाद जो है क्लास में एंटर हो रहे थे, तो नेक्स्ट वाली क्लास से ऐसा नहीं होगा, आप 1 या 2 मिनट पहले जो है क्लास के अंदर एंटर होंगे, ठीक है। आप लोगों की वजह से 2-3 मिनट तो वैसे ज़ाया हो जाते हैं। और ये भी आपको पता है, ये जस्ट 30 मिनट का सेशन होता है, 30-40 मिनट का, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी जो GR है वो आप लोग की अटेंडेंस नोट कर लें और फिर वो मुझे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। जी मैम, कर ली वो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप मुझे बता दें। वैसे तो ये इसमें से कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, आप लोगों ने पहले इसको जो है ना वो किया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।